नमस्कार दोस्तों। बस्ती में ट्रेन की चपेट में आने से मासूम समेत तीन की मौत। ट्रैक पार करते वक्त हुआ हादसा। बस्ती में टिनिच और गौर स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 5 साल के मासूम सहित तीन लाशें मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस ने बताया कि तीनों की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। मामला दर्ज कर जाँच की जा रही है। बस्ती में रेलवे ट्रैक पर एक साथ तीन लाश मिलने से सनसनी फैल गई। रविवार की देर शाम टिनिच रेलवे स्टेशन और गौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 5 साल के मासूम सहित तीन लाशें बरामद हुई हैं। घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस की टीम ने बताया कि तीनों की मौत ट्रेन से कटकर हुई है। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच में जुट गई। टिनिच और गौर रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर 5 साल के मासूम सहित तीन लाशें मिली हैं। मृतकों की पहचान रांची के पलिया गांव निवासी मुन्नी लाल 45 साल, सुनील 30 साल और पिंटू 5 साल के रूप पर हुई है। पुलिस की माने तो ट्रेन की चपेट में आकर तीन लोगों की मौत हुई है। सूचना मिलते ही मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल के साथ अधिकारी भी आ पहुंचे। पुलिस ने बताया कि गौर से बस्ती की तरफ डाउन मालगाड़ी जा रही थी। कैथोलिया गांव के सामने 584/14 संख्या पोल के पास ट्रैक पार करते समय तीनों ट्रेन की चपेट में आ गए। ट्रेन की टक्कर लगने से तीनों की मौत हो गई। हालांकि इन्हीं के साथ जा रही एक महिला सुरक्षित बच गई। मालगाड़ी के चालक ने स्थानीय स्टेशन को हादसे की जानकारी दी। शव के पास से झोले में कपड़े और अन्य सामान मिला है। प्रभारी निरीक्षक गौर उपेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। एसपी दीपेंद्र चौधरी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बताया कि आरपीएफ इंस्पेक्टर की सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस टीम पहुंची और शवों को कब्जे में ले लिया। तीनों की मौत ट्रेन से हादसे के बाद हुई है। एक महिला भी साथ में थी जो बच गई, उसे पूछताछ की जा रही है।